हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आता आई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जब मोतियाबिंद कैटरेक्ट आँखों में हो जाती है, सर्जरी के टाइम पे कौन कौन से लेंसेज आँखों में डाले जाते हैं? बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोफोकल लेंस, सेकेंड मल्टीफोकल लेंस है, थर्ड है प्रीमियम इंट्राओकुलर मल्टीफोकल लेंस, इसको टॉरिक लेंस भी बोलते हैं। गाइस, जो मोनोफोकल लेंस होता है, अगर पेशेंट की आँखों में एस्टिगमेटिज्म है तो मोनोफोकल लेंस से एस्टिगमेटिज्म नहीं करेक्ट की जा सकती, बट जो डिस्टेंस विज़न है वो क्लियर हो जाती है, बट पेशेंट को नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। सेकेंड है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस में क्या होता है, इसमें ना ही नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है और ना ही दूर के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। इसमें दोनों विज़न तो अच्छे से आ जाती हैं, बट अगर पेशेंट को एस्टिगमेटिज्म है तो मल्टीफोकल लेंस से एस्टिगमेटिज्म नहीं करेक्ट की जा सकती। थर्ड है प्रीमियम इंट्राओकुलर मल्टीफोकल लेंस, इसको टॉरिक लेंस भी बोलते हैं। गाइस, इस लेंस में अगर पेशेंट को एस्टिगमेटिज्म है तो टॉरिक लेंस से एस्टिगमेटिज्म करेक्ट की जा सकती है। साथ ही साथ में डिस्टेंस और नियर, दूर और पास, दोनों विज़न भी इससे क्लियर हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।